सो वेलकम मित्रों, आप सभी का मेरे नए ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। और आज हम आप सभी को दिखाने जा रहे हैं जय भीम निर्वाण दिवस, जो कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के मृत्यु के 63वां निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। और हमारे तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं भारत के हर एक राज्य से यहाँ पर बहुत अधिक क्या यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ी है और सभी ने बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। बाकी आप सभी पूरे ब्लॉग वीडियो में देख सकते हैं। सुमित्रों, काफ़ी सुरक्षा भी की गई है और स्टाफ भी है और ये लाइन वाइज है ताकि जो और पब्लिक उसको आने जाने में दिक्कत ना हो। आप सभी देख सकते हो बहरहाल, पर हाँ, बाबा साहब ने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था, क्योंकि उन्होंने 1950 में संविधान जब लागू किया था और बहुत सारे काम इसीलिए इनको सपोर्ट किया था। और दोस्तों, मैं भी गया था श्रद्धांजलि अर्पित किया बाबा साहब को जाके इस भीड़ में लाइन लगा के, क्योंकि उस दिन मेरा काम बंद था। तो आप सभी मेरे साथ देखते हैं। अब मैं पता नहीं किधर से आ गया, पर यहाँ से भी भीड़ को ही दिखाने लोगों को ही दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कर दे चिर बली, मिंट लगदा नी खोल दई सिर बली, नी सिर पजे बथेरे मेरे नाल खड़ के तू वाली जाते दी, तेरे बिना औखा कट्टा पल बली, मेरिया तू जना बिच जा रच दी, कर मेरे मसले दा हल बली, जग दिया रेशमां नू हथ पा गई। और अब शाम हो गया है, शाम का ये व्यू है और मैं शाम को भी धरी खड़ा था यहीं से, क्योंकि वहाँ पुलिस नहीं जाने दे रही थी गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पर आप देखते हैं बाबा साहब के लिए श्रद्धांजलि सभी लोग अर्पित किया। और ये था दिन 6 दिसंबर का। तो दोस्तों, जैसा हमें टाइम नहीं लग पाया कि हम 6 दिसंबर को आप सभी को वीडियो अपलोड करके दिखाएँ बाबा साहब के ऊपर, पर फिर हमें टाइम ही नहीं लगा, तो कोई बात नहीं। पर आज टाइम लगा है और ये देखिए, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं कितना ज़्यादा लोग भारी मात्रा में आए हुए हैं और हम एक ही चौराहे पे खड़े हैं, किधर जाएं फिलहाल। पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो आए हैं अलग अलग जगहों से, 2 दिन पहले से चल के आए हैं दोस्तों। और आज बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करके फिर पुनः अपने अपने स्थान लौट जाएंगे। पर हमारी जो पुलिस है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, यहाँ पर देखिए लोग कैसे आगे पीछे कर रहा है। और अच्छी बात है क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत सारे काम किए थे। तो आप सभी देख सकते हैं, अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। और हमारा बाकी सब ठीक है, आप सभी दोस्तों अच्छे रहें और मस्त रहें। आप सभी मेरे ब्लॉग वीडियो अगर अच्छा लगे तो देखें, और ना लगे तो कोई बड़ी बात नहीं, स्किप करके आप सभी जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ब्लॉग वीडियो है, इसमें और कुछ मैं एक्स्ट्रा तो दिखा नहीं सकता। जो है आप सभी देख सकते हैं ओवरऑल आपके सामने ही है, और इसमें कुछ हम अलग ही क्या दिखाएंगे दोस्तों। जैसा कि निर्वाण दिवस का हमारा ब्लॉग वीडियो, तो आप सभी देख सकते हैं ये हमारे बाजू में इंदू मिल, उसी में बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी स्टैचू बनाई जाएगी, जो कि भी 2-3-4 साल लगेगा जब बनकर तैयार होगा, तो दोस्तों फिर दिखाने का प्रयास करेंगे। पर आप सभी आज देख सकते हैं 6/8 इनका निर्वाण दिवस है और बहुत सारे लोग हैं, देख सकते हैं। तो आप सभी को अगर मित्रों आप सभी को मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप सभी का धन्यवाद।